2014 में 24 जुलाई को यहाँ पता चला गुर्दा ख़राब हो गया है और डायलिसिस पाया गया। डायलिसिस के दौरान हमको हेपेटाइटिस सी हो गया, बहुत घबराहट हुई, एक गुर्दा ख़राब था उसको लेकर के हेपेटाइटिस बीमारी भी हो गई। मेरा नाम ताराचंद है, मैं किसान हूँ। 2008 में हमें पता चला कि हमारे दोनों गुर्दे खराब हैं, ब्लड टेस्ट करवाए तब हमें पता चला हमारे हेपेटाइटिस सी भी है। मेरी सास ही बोली कि मतलब अब पहले से तो गुर्दा ही खराब था, अब तो लीवर भी खराब हो गया, तो अब तो कुछ नहीं होने वाला है, अब नहीं बच पाएंगे। डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई ट्रांसप्लांट ऐसे हो नहीं पाएगा जब तक हेपेटाइटिस सी का इलाज नहीं होगा। दवा चालू कर दिए, एक सूरा 135 mg, वो दवा से साइड इफेक्ट होता था, उल्टी महसूस होती थी, पूरा शरीर दर्द होता था, बुखार बहुत तेज हो जाता था। हम लोग बहुत परेशान रहते थे, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते थे कि इससे सही हो जाए, लेकिन नहीं सही हो पाते थे। डॉक्टर साहब बोले कि ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगी जब तक इसका इलाज नहीं होगा। Mr. Manoj was previously treated twice with injections and has not responded. He failed to clear his virus. Now the treatment is changed to oral tablets, which are much more effective, cheaper, and free of side effects. Moreover, they have reduced the duration of treatment also. तो बोले सर कि नई दवा आ गई है, इसको खाने से एकदम अच्छा हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसी दवा से। तो फिर दवा हम खाना शुरू कर दिए। नाउ विद न्यू ड्रग्स ही हैज सक्सेसफुली क्लियर्ड हिज वायरस एंड नाउ हिज ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड, ही इज फ्री ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन। ये दवा खाए और 15 दिन में हमको निगेटिव हो गया। 15 दिन 6 महीने कोर्स था, लेकिन हमारे 3 महीने तक ही चला इलाज, निगेटिव आ गई थी रिपोर्ट। सबको मतलब फायदा हो रहा है, ये दवाई जो आई है अब कोई मतलब इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकता है, सब लोग मतलब ठीक हो जाएंगे।